ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा जीत नेवले की होती है और वो सांप के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है। लेकिन क्या नेवला सांपों के राजा किंग कोबरा को मार सकता है? तो आइए जानते हैं। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेवला एक निडर जानवर होता है जो कि कभी कभी शेर पर भी हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा दूर से ही अपने जहर को अपने शिकार पर फेंक कर उसको मार सकता है। दोस्तों, नेवले के शरीर में सांपों का जहर ज्यादा असर नहीं करता, जबकि एक किंग कोबरा अपने जहर से एक अफ्रीकन हाथी को भी मार सकता है। दोस्तों, नेवले की पकड़ बहुत मजबूत होती है जिसे छुड़ाना नामुमकिन होता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक होती है। बात करें इन दोनों के बीच की लड़ाई की, अगर किंग कोबरा ने नेवले को डस लिया तो नेवला कुछ देर के लिए कमजोर हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर किंग कोबरा नेवले को मार सकता है। लेकिन अगर नेवला हमले से बच गया तो ज्यादा चांस जीतने के नेवले के होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, नेवले और सांप की लड़ाई में कौन जीतेगा? कमेंट करके बताएं।